आज पहली शर्त देखेंगे इंशाल्लाह। पहली शर्त यह है कि जो भी लेन देन होगी वो बाहमी म्यूचुअल रजामंदी से होनी चाहिए, कंसेंट से होनी चाहिए। उसके अंदर कंसेंट होना लाजिम है, कंपल्सरी है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में फरमाया, सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 29, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल को आपस में गलत तरीके से मत खाओ। मतलब जो सही शरायत को छोड़कर अगर खाएंगे, गलत तरीके से लेंगे, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल को आपस में गलत तरीके से मत खाओ। इल्ला अन तकूना तिजारतिन अन तुरादिम मिनकुम, सिवाय ये कि तुम तिजारत करो आपसी बाहमी रजामंदी से। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक्सेप्शन बताया कि अगर हम रजामंदी और कंसेंट नहीं होगी तो ये गलत तरीके से हमने माल ले लिया किसी का, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने मना किया कि आपस में माल गलत तरीके से मत खाओ। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तुरादिम मिनकुम, सिवाय ये कि तुम तिजारत करो आपसी रजामंदी से। रजामंदी क्या है? कंपल्सरी है। दारकुतनी की सही हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ला यहिल्लु, हलाल नहीं है, मालु इम्रिन मुस्लिमिन इल्ला बी तीबी नफसी ही, किसी भी मुस्लिम शख्स का माल हलाल नहीं है सिवाय उसकी रजामंदी से। मतलब माल जो है ये भी उसका माल है। एक्चुअली तिजारत का डेफिनेशन ये है, मुबादलतुल माल बिल माल बितौरादी, माल के बदले में माल इंटरचेंज कर रहा है रजामंदी से। ये उसका माल था, वो 50 रुपए आपका माल था, आपने 50 रुपीज दिए, ये आपका माल उधर गया, ये उसका माल यहां आया। तो ये जो माल जो यहां आया सही तरीके से आया या नहीं आया, इसके अंदर पहली शर्त ये है रजामंदी। तो किसी भी मुस्लिम शख्स का माल जो है हलाल नहीं है सिवाय ये रजामंदी से हासिल किया गया हो। तो रजामंदी बहुत जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन है। सुनन इब्न माजा की सही हदीस है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमल बैउ बित्तरादी, तिजारत तो होती है रजामंदी से, रजामंदी कंपल्सरी है, रजामंदी शर्त है, अगर रजामंदी नहीं है तो वो माल गलत तरीके से आया। आइए मिसालें देखते हैं कहां कहां ये चीज नहीं फॉलो होती है। मिसाल के तौर पर चाचा जी की दुकान है या मामा की दुकान है, अब शख्स पहुंच रहा है मामा की ही दुकान है वहां तो मैं ऐसे ही ले सकता हूं। अब अगर बात यहां यह है कि मामा राजी है तो ठीक है, लेकिन राजी नहीं है, अब देख रहे हैं कि ये लेकर जा रहे हैं मेरी चीज, तो ये गलत तरीके से आया सही तरीके से आया? इस आयत की रोशनी में गलत तरीके से आया। दूसरी मिसाल, बीवी का माल, ये तो बहुत कॉमन मिसाल है हमारे माशरे में, बहुत सारे लोगों की सोच यह है बीवी का माल अपना ही होता है। बीवी का माल हमारा होता है या नहीं होता है? बीवी का माल हमारा है या नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? बीवी का माल हमारा नहीं है, कौन कह रहा नहीं है? हाथ उठाइए, दो लोगों ने हाथ उठाया, बीवी का माल अपना नहीं है, और तीन चार लोगों ने कहा, बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं? सही बात क्या है, बीवी का माल अपना है या नहीं है? चलिए कौन कह रहा नहीं है, चार लोगों ने हाथ उठाया, चलिए उन्हें दीजिए, पांच आपने भी उठा लिया, ओके वहां दीजिए जरा पहले जिन्होंने पहले उठाया था, पीछे। आप बहुत श्योर दिख रहे हैं कि बीवी का माल हमारा नहीं होता है, तो वजह बता सकते हैं? विदाउट कंसेंट नहीं है अपना, लेकिन बीवी है ना वो अपनी, कोई अपनी बीवी की माल की बात कर, किसी और की बीवी नहीं, खुद की बीवी का माल हमारा है या नहीं? विदाउट कंसेंट बीवी का माल भी नहीं है। हाँ ओके, कंसेंट रजामंदी की बात वहां पर भी अप्लाई करेंगे इनका कहना है। और कोई भाई कुछ बात कहना चाहता है? हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब बताया, बीवी का इंतकाल हो गया अगर, तो बीवी के इंतकाल के बाद शोहर को कितना मिलता है आप में से कौन बताएगा? उसकी प्रॉपर्टी में से, बीवी की प्रॉपर्टी है ना, उसकी प्रॉपर्टी में से शोहर का कितना हक है? अगर बच्चे हैं तो पाओ 1/4, और बच्चे नहीं हैं तो आधा। मतलब अगर बच्चे हैं तो पाओ उसे मिला, पौना किसी और को मिला, तो यानी पूरा उसका तो था ही नहीं, इसीलिए पाओ उसे मिल रहा है। 1/4 जब उसे मिल रहा है या आधा जब मिल रहा है जब बच्चे नहीं हैं तो, यानी पूरा उसका नहीं था इसीलिए आधा मिला। अगर पूरा उसका है तो आधा क्यों मिल रहा है ना? और उसमें मजीद, जब बीवी को मेहर देने कहा गया है तो पता चला कि बीवी का माल अलग है, इसी वजह से उसे मेहर दिया जा रहा है। तो सही बात तो यह है कि मर्दों को उल्टा लाजिम किया गया है कि बीवी पर खर्च करें। घर के खर्चे जो होते हैं, बीवी के कपड़ों के खर्चे,
जो भी उसकी ज़रूरियात है, खाना, कपड़े वगैरह जो कुछ है उसकी ज़रूरियात, वो ज़रूरियात पूरा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने किस पर डाला है? मर्दों पर। अच्छा, बीवी मालदार हो और शौहर गरीब हो तो घर के खर्चे कौन संभालेगा, बीवी या शौहर? बीवी मालदार है, हाँ, हो सकता है करोड़पति हो और शौहर बेचारे उसके पास कुछ पैसे नहीं है, तो घर के खर्चे कौन संभालेगा, जिम्मेदारी किस पर है? जी, एक हदीस है कि एक साहबा ने अपने शौहर को जकात का मतलब एक हदीस आई थी, तो बस उतना ही मेरे को मालूम। बहुत अच्छी बात आपने कही, माशाल्लाह। इन्होंने एक हदीस बताई है और ये अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की अहलिया के मुतालिक है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर सवाल पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने शौहर को ज़कात दे सकती हूँ? उन्होंने जब अपनी ज़कात निकाली, जेवरात पर ज़कात निकाली, और जब देने जा रही थी तो उनके शौहर ने कहा कि मैं खुद इतना गरीब हूँ, मुझे ही दे दो। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं अपने शौहर को ज़कात दे सकती हूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ दे सकते हो, और डबल अज्र मिलेगा। एक तो ज़कात देने का अज्र मिलेगा, दूसरा सिला रहमी का, जो रिश्तेदारी का जो अज्र होता है वो अज्र भी मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि बीवी शौहर को ज़कात दे सकती है, लेकिन शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बीवी के अखराजात जो है वो शौहर पर होते हैं, और बीवी बहुत मालदार हो तो भी घर के खर्चे की जिम्मेदारी शौहर पर ही है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुन्नत अबू दाऊद की हदीस है कि जो तुम खाते हो वो खिलाओ, जो तुम पहनते हो वो पहनाओ। अब तुम मुर्गी खा रहे हो और उसको दाल रोटी या चटनी रोटी, तो ऐसा नहीं है। अब आदमी कहे, मैं खुद भी चटनी रोटी खाता हूँ, बेगम तुम्हें भी चटनी रोटी खिलाता हूँ, अब वो करोड़पति है, वो कह रही मुझे तो चटनी रोटी से काम नहीं चलेगा, तो अब जो करना है करो, लेकिन मैं तो इतना ही खिला सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी यही खा रहा हूँ। हाँ, तो सही बात तो यह है कि खर्चे जब मर्दों पर है तो बीवी का माल तो उसका है नहीं, है ना। लेकिन हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि जैसे बीवी का माल तो अपना ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। बीवी का इंतकाल अगर उसकी ज़िंदगी में हो गया तो बीवी के माल में से 1/4 मिलेगा या आधा मिलेगा, वो उतना उसका हक होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम ये देखते हैं कि ये एक रजामंदी की एक और मिसाल है। आप में से कौन रजामंदी जहाँ फॉलो नहीं होती इसकी कोई मिसाल बताएगा? जहाँ रजामंदी पर अमल नहीं किया जाता उसकी कोई मिसाल बताइए। जी, यहाँ पर हमारे सामने वो सवाल आएगा जो थोड़े टाइम पहले था कि मान लीजिए कि कोई रजामंदी से बेचने वाला इसे 50 रुपये की जगह 500 रुपये में बेच रहा है, और ख़रीदने वाला राज़ी है, हाँ मैं 500 रुपये देने तैयार हूँ, दोनों राज़ी है, तो कितना प्रॉफिट लेना हलाल है या जायज़ है? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या क्या नाजायज़ है वो देख लें। अगर आदमी कहेगा कि ये ग्लास में पानी पीते ही तुम्हारे नसीब बदल जाएंगे, 500 रुपये में दे रहा हूँ, हाँ, तो जाहिर सी बात है 500 रुपये में अगर ये 50 रुपये का ग्लास बेचना है तो कुछ ना कुछ झूठी बात आदमी को नॉर्मली बोलनी पड़ेगी, और झूठी बात बोल करके तिजारत करना इस्लाम में नाजायज़ है, झूठ नहीं बोल सकता है। हाँ, सच बोल करके 500 ले सकते हो, सच बोल करके, हाँ, तो वो एक अलग बात है, हम उस पर आ रहे हैं। पहली बात कि झूठ बोल करके नहीं लेना, दूसरी बात ये कि ब्लैक मार्केटिंग करके नहीं लेना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, आज के ज़माने में इसे कार्टेलाइजेशन कहते हैं, कि जो भी सप्लाई आ रहा है मार्केट में उसको रोक देते हैं, या आपस में कार्टेल बना लेते हैं, बोलते हैं कि देखो ऐसा करेंगे, ये फला चीज़ की लोगों को ज़रूरत है, वो ज़रूरत की चीज़ को रोक करके ब्लैक मार्केटिंग करके उसका भाव 50 का 500 बना दो, फिर उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करो। तो हम देखते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी ज़खीरा इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस के अल्फाज इस तरह से है, इल्ला खाती, सिवाय खताकार के, सिर्फ खताकार इस तरह से जमा करके प्राइसेस बढ़वाएगा और फिर निकालेगा, वही खताकार करने वाला है, नॉर्मल इंसान इस तरह से नहीं करने वाला, एक अच्छा इंसान इस तरह से नहीं करने वाला। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये एक हम देख रहे हैं कि पहला कायदा जिसमें लोग तोड़ते हैं, कि जिसके अंदर अब यहाँ रजामंदी से आदमी आके 500 दे रहा है, लेकिन वो रियली रजामंद है, वो तो मजबूरी है ना उसकी, जब ब्लैक मार्केटिंग करके कोई नेसेसिटी, कोई अहम चीज़ का भाव बढ़ा दिया गया है, तो वो तो एक मजबूरी एक इंसान की, कि उसको जैसे मिसाल के तौर पे दूध का भाव बढ़ा दिया गया, कैसे सप्लाई रोक रोक कर उसका भाव बढ़ा दिया गया, अब वो उसकी नेसेसिटी है, वो आकर दे रहा है 500 रुपये कोई चीज़ का जो 50 रुपये की है, लेकिन वो करना भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। एक चीज़ झूठ बोल करके भाव बढ़ाना जायज़ नहीं है, नंबर दो ब्लैक मार्केटिंग करके बढ़ाना जायज़ नहीं है, नंबर तीन मार्केट में कोई भोला भाला आदमी आया और उसको कुछ मालूम नहीं है कि क्या भाव चल रहा है, क्या चीज़ है, और उसकी भोला होने का फ़ायदा उठाकर, उसको इल्म ना होने का फ़ायदा उठाकर एक शख्स अगर कोई भी भाव ले रहा है,
तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा होता था कि बाहर से कारवां आते थे। जब कारवां आते थे तो कुछ लोग बाहर निकल करके कारवां मार्केट में पहुंचे, उनके पास पहुंच करके वहीं पर डीलिंग कर लेते थे, वहीं पर डीलिंग करके वहीं पर खरीद लेते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है कि ला तलक्कुर रुकबान, जो आ रहा कारवां वहां जाकर नहीं हासिल करो, मत लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और फिर कहा एक हदीस जो सही मुस्लिम में है कि जो ऐसा करेगा, जो खरीद लेता है वहां जाकर, अब ये कारवां वाले लोग मार्केट में जब आते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि अच्छा इसने तो इतने में खरीद लिया, मार्केट में तो इतना भाव चल रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फहुआ भी खियार, वहां पर फिर उसको इख्तियार मिल जाएगा। मतलब कि वो शख्स जो मार्केट में आया, अब वो आके कहता है कि देखो मैंने जो बेचा ना ट्रांजैक्शन कैंसिल करना चाहता हूँ, यहाँ पे तो भाव ज्यादा चल रहा है। पता चला वो एक धोखादेही वाली बात ना हो कि मार्केट में क्या भाव है वो उसे पता नहीं है, उसका फायदा उठा करके कोई वहां जाके खरीद रहा है, तो वो चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। आज हम देखते हैं कि दुनिया की कई कंट्रीज, अब रिसेंटली इंडिया की बात है कि 11 सीमेंट की बड़ी कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा करोड़ों हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का फाइन लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि उन्होंने सबने 11 ने मिल करके कार्टल बना ली और सीमेंट के भाव को बहुत बढ़ा दिया। कई कंट्रीज है दुनिया की जो कार्टल्स के ऊपर नोटिस रखते हैं, वॉच रखते हैं कि कहाँ पे कोई कार्टल बन रहा है, कहाँ पे इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इस्लाम के हिसाब से ये चीज़ हराम है और हम मुस्लिम्स को ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, भले ही दुनियावी तौर पर किसी को फायदा हो रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये खताकार ऐसा काम करेगा, नॉर्मल इंसान, सही इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि ये एक मिसाल है ब्लैक मार्केटिंग। ये तीन चीज़ें हमने देखी, झूठ बोल करके भाव नहीं बढ़ाना है, ब्लैक मार्केटिंग करके भाव नहीं बढ़ाना है, किसी की इग्नोरेंस का, किसी की जहालत का फायदा उठा करके उस चीज़ का भाव नहीं बढ़ाना है। जो हमने मिसाल देखी कि कारवां के पास से जाकर पहले से खरीद लेना, जिसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि फोर स्टॉलिंग कहते हैं। फोर स्टॉलिंग ये है कि मार्केट में प्रोडक्ट आता है उससे पहले ही सारे सप्लायर्स को रोक दिया जाए, ऐसा करो तुम मार्केट में मत उतारो, हम लोग खरीद रहे हैं, फिर हम लोग अपने भाव पर उतारेंगे। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ जो फोर स्टॉलिंग जिसे कहते हैं, जो कार्टलाइजेशन का फॉर्म भी ले लेती है, ये चीज़ को मॉडर्न लॉ भी रिकॉग्नाइज करता है कि प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए होता क्या है, आज आप जब इंटरेस्ट के मुतालिक डेटा सुनेंगे तो एक सवाल उठेगा कि जब इंटरेस्ट इतनी ख़तरनाक चीज़ है, सूद दुनिया की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जैसे कैंसर होता है जिस्म के लिए ख़तरनाक है, कोई भी नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो कोई भी नहीं कहेगा कैंसर होना बहुत अच्छी बात है, तो सूद एक दुनिया की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जब डेटा हम देखते हैं तो एक सवाल उठता है कि भाई सूद जब इतना ही खतरनाक है तो दुनिया के इंसान छोड़ क्यों नहीं देते सूद का लेन देन? इसका ऑब्वियस आंसर ये है कि दुनिया में वेस्टेड इंटरेस्ट, पर्टिकुलर जिसका इंटरेस्ट हो, पर्टिकुलर जिसका पर्सनल मकसद हो, वो लोग डोमिनेट करके कंट्रोल करते हैं दुनिया की इकॉनमी को, उसके अंचर पंचर टाइट करते हैं और लोगों की थिंकिंग को भी कंट्रोल करते हैं कि यहाँ तक आके उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पर बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें तो बैंक की तरफ से लोन दिया जा रहा है, हाँ तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा लोन पास हो गया, तो तुम तो कितने फॉर्चुनेट हो। तो सही बात तो यह है कि किसी की जेब चोरी की जा रही है, किसी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है तुम कितने खुशी की बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी चोरी हो रही है या तुम्हारी जेब को चोरी किया जा रहा है और कितनी खुशी की बात है ये। इस तरह की स्लेवरी में दुनिया पहुंच चुकी है। तो यही बात है कि फोर स्टॉलिंग हालांकि गलत है लेकिन बहुत जगहों पर ये फिर भी कॉमनली होता है, क्योंकि कई लॉज ऐसे भी है जो इसकी सारे फॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि गलत है, लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ को मना किया है। लेकिन अगर ये सारी गलत चीज़ें किसी ने नहीं किया और एक प्रेफरेबल चीज़ है, सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह रहम करे उस ताजिर पर, सहमन इदा बा सहमन इदा श्तरा, जो थोड़ी नरमी रखता है जब बेचता है और नरमी रखता है जब खरीदता है, थोड़ा नरमी के साथ, एकदम कुछ लोग होते हैं ना बहुत हार्ड बार्गेनर होते हैं, हाँ बिल्कुल रुला देते हैं बेचने वाले को, और कुछ बेचने वाले होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, बोले मैं तो टस से मस नहीं होऊंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह रहम करे उस बेचने वाले पर जो थोड़ा नरमी बरतता है जब बेचता है और नरमी बरतता है जब खरीदता है। तो यानी कि वो नरमी से तो थोड़ा टकराती है ना कि 50 की चीज़ 500 में बेचें, लेकिन इस्लाम ने प्रॉफिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं रखी है। ये बात अंडरस्टूड है कि कुछ बिजनेसेस में ज़्यादा प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, कुछ बिजनेसेस में जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, मतलब वेटिंग टाइम लंबा होता है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मूव नहीं होता है, जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं ना उसके अंदर फास्ट मूविंग नहीं होते हैं, वो स्लो 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 बिकते हैं। अब उसके अंदर जब वो स्लो स्लो बिकता है तो एक ज़्यादा प्रॉफिट की ज़रूरत होती है ताकि वो इंडस्ट्री सर्वाइव हो सके। अब जो लोग ये कहते हैं ना इतना प्रॉफिट तो लेना हराम है, ये ऐसा कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं। हाँ ब्लैक मार्केटिंग करना हराम है,
हाँ झूठ बोल के बेचना हराम है, हाँ किसी की इग्नोरेंस का फायदा उठा करके बेचना हराम है, हाँ लोगों के साथ नरमी करना बेटर है, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर लिमिट नहीं लगाई गई है जिस तरह से लॉस की लिमिट नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि ताजिर को मैक्सिमम 10% लॉस होना चाहिए, 15% नहीं होगा या 20% हो 25% लॉस नहीं हो? ताजिर के लॉस की कोई लिमिट नहीं है, उसके प्रॉफिट की भी कोई लिमिट लगाना कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो ये चीज जो है, जो लोग इस बारे में थोड़ा कहते हैं विदाउट नॉलेज, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और मिसाल मान लीजिए किसी ने आपके पास कोई अमानत रखी कि जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे 10,000 रुपए है, थोड़ा संभालना, हाँ अमानत है मेरी, किसी ने आपके पास अमानत रखी, चाहे वो किसी शख्स का हो, चाहे वो किसी ट्रस्ट का हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का हो, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो बॉस का हो, किसी ने अमानत रखी 10,000। अब वो अमानत जो एक शख्स के पास आई, उसे कुछ जरूरत आ गई, अब जरूरत आ पड़ी तो क्या वो पैसे लेकर अपनी जरूरत के लिए खर्च कर सकता है सामने वाले की इजाजत के बगैर, जब उसे पता है कि उसे जब भी जरूरत होगी ना तो मैं दे दूंगा कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके, उसे जब भी जरूरत होगी 10,000 चाहिए ना, 10,000 उसने रखा था मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे जरूरत है तो मैं थोड़ा यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? इस आयत की रोशनी में बताइए। हाँ आयत की रोशनी में क्या है, सही बात आपको पता है, जैसे कि क्लियर है कि नहीं कर सकते। अगर करना है तो उसे कहो कि 10,000 आप रख रहे हैं ना, अमानत के तौर पर मत रखो, कर्ज के तौर पर रखो, आप मुझे कर्ज दे दो। जुबैर बिन अवाम रदिल्लाहु के बारे में यही मिलता है कि जुबैर बिन अवाम बहुत अमानतदार थे और लोग उनके पास अपनी अमानतें संभालने के लिए रखते थे कि हमारे ऐसे पैसे संभालो, हमारी ये चीज़ संभालो। तो वो कहते थे मैं कोई अमानत नहीं लेने वाला, अगर मुझे देना है ना तो कर्ज करके दो, कर्ज बना करके दो, कर्ज का डॉक्यूमेंट बना के लो। तो जुबैर बिन अवाम के पास बहुत सारे लोगों के पैसे डिपॉजिट होते थे और वो कर्ज करके लेते थे और उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे कि जब भी चाहिए मैं कर्ज वापस लौटा दूंगा, कर्ज बना करके लिया हूँ, कर्ज वापस लौटा दूंगा। यहां तक आके जब उनका इंतकाल हुआ तो बहुत सारे क्रेडिटर्स थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर जब लिस्ट देखते हैं कि इतने सारे लोग क्रेडिटर्स हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वो बताते हैं कि जब उन्होंने बेच दिया सारी जो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह बेच करके जब सारे क्रेडिटर्स को पे किया तो जुबैर बिन अवाम रदिल्लाहु की जो 4 बीवियां थी तो एक एक बीवी को बहुत सारा हिस्सा मिला। ये बीवी का हिस्सा कितना होता है आपको मालूम है विरासत में? बीवी का हिस्सा अगर बच्चे हैं हाँ तो 1/8 होता है, 1/8, और 4 बीवियां हैं तो 1/8 1/8 में 4 हिस्से होंगे, उस 1/8 के अंदर 4 होंगे। वो 4 बीवियों को जो मिला तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी मिली। क्यों? वो क्या करते थे कि लोगों से जो पैसे लेते थे तो उसे कर्ज के तौर पर लेकर खुद इन्वेस्ट करते थे और इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट कमाते और सामने वाला जब कर्ज मांगता तो वापस दे देते। तो अमानत के तौर पर रखी गई है तो उसके अंदर रद्द बदल करने में इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों इजाजत लेनी पड़ेगी? क्योंकि अमानत है, और जब इजाजत हम ले लेंगे तो तब कर्ज बन जाएगी। कर्ज के अंदर रद्द बदल कर सकते हैं। जब एक बार किसी ने आपको कर्ज दे दिया, अब आप क्या करते हो, आपका लुकआउट है। अमानत किसी ने रखी है, वो अमानत चाहे 10 रुपए किसी के पड़े हैं, उसके अंदर रद्द बदल करना है, उसको यूज करना है, तो उसके अंदर उसकी इजाजत लेनी होगी। तो ये हमें कायदा दिख रहे हैं इस चीज के तहत। अच्छा, अब एक अगला सवाल। कई बार ऐसा होता है कि भाव बढ़ते आते हैं चीजों के भाव, और भाव जो स्पीड में बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, प्राइस पे लिमिट लगा लेनी चाहिए कि कांदा जो है अनियन यही भाव में बिके, इससे ज़्यादा में नहीं बिके, और फला जो है फला चीज़ इतने में बिके, इससे ज़्यादा में नहीं बिके। अब ये प्राइस फिक्स अगर कर दिया जाए, ज़रा थोड़ा सोचिए कि मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, इसको तुम 50 रुपये से ऊपर में बेच ही नहीं सकते। अब जो ताजिर है वो 50 में ही बेच सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, इसको इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। अब वो 50 में बेचेगा तो क्या ये फोर्स करना उसकी रजामंदी के उसूल से टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है? हाँ, है ना। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चीजों के प्राइस बहुत बढ़ने लगे तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप प्राइसेस पे फिक्स कंट्रोल क्यों नहीं लगा लेते कि प्राइस इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, फिक्स कर दो, इससे ज्यादा भाव नहीं बढ़ने चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, कहा कि अल्लाह है जो काबिद भी है बासित भी है, मतलब समेटने वाला भी है और फैलाने वाला भी है और रज़ाक है, और अल्लाह है जिसके कंट्रोल में ये प्राइसेस का मामला होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इन्नी लार्जू, मुझे ये उम्मीद है कि मैं अल्लाह के सामने क़यामत के दिन पहुँचूँ इस हाल में कि मैंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया है और कोई कुछ चीज़ मुझसे मांगने नहीं आए। मतलब क्या है
साहबी तो कह रहे थे आप प्राइसेस फिक्स क्यों नहीं कर देते हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब ये दे रहे हैं कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने इस हाल में जाऊँ कि मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, पता चला कि ये जुल्म है। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन प्राइस कंट्रोल एक दूसरी एक्सट्रीम है, ब्लैक मार्केटिंग एक एक्सट्रीम है जिसके अंदर ब्लैक मार्केटिंग के जरिए भाव बढ़ा दिए जाते हैं, और प्राइस कंट्रोल एक दूसरी चीज है जिसके अंदर भाव फिक्स कर दिए जाते हैं। अब वो मार्जिन जो उसका जो मामला है, जो प्राइसेस जो है डिमांड एंड सप्लाई से तय होनी चाहिए। जब डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई कम होता है तो भाव बढ़ने लगते हैं, जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है डिमांड कम हो जाता है तो भाव कम होने लगते हैं। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि ये काबिद और बासित कौन है, सूरह बकरा की आयत नंबर 245 है। अल्लाह है जो बढ़ाता भी है, समेटता भी है, टाइट भी कर देता है हालत को और वसी भी कर देता है हालात को। तो जो सप्लाई एंड डिमांड किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला की मर्जी से ये चीजें पैदा होती है। हाँ, अगर लोग उसमें दखल कर रहे हैं, लोग उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं और खुद सप्लाई को आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे आज बहुत सारे ऐसी दलायल है जिससे हम ये बात देखेंगे कि किस तरह से कई चीजें हैं, किस तरह से दूध कितना बहा दिया जाता है, किस तरह से अमेरिकन गवर्नमेंट खुद अपने फार्मर्स को कंटिन्यूसली पैसे देती है रेंट फॉर लैंड के नाम में, कहती है कि आप कंटिन्यूसली मत उगाओ, क्यों, ताकि सप्लाई और डिमांड का वो मेंटेन रहे और प्राइसेस मेंटेन रहे इंटरनेशनल मार्केट में। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना रिस्क रखा है जमीन पर, इतना रिस्क कि जैसे अफ्रीका में जो सवाना का जो रीजन है वो रीजन के अंदर तकरीबन 16% कल्टीवेशन में है। अगर वो पूरा रीजन कल्टीवेशन में आ जाए तो पूरी दुनिया का जो फूड रिक्वायरमेंट है ना, सिर्फ अफ्रीका के सवाना रीजन से पूरा हो जाएगा, इतना अल्लाह ताला ने बरकत रखी है।